नमस्कार दोस्तों, मैं तुहाड़ा अपने आसके सक्साना था तुसी देदा हर बार देदा फिर उसी तरीके ना आज तक आमने सामने दोस्तों जंदर शहर नगीना मी एक दिन ते चिकन ना तुसी वेख सकते हो काजी मंडी दा बुरा हाल कि किवें एक दिन थोड़ा जिहा मीह पैना किवें इत्थे बिल्कुल बरसात की झड़ी लग गया गंद की गंदगी की गल करिए तो बिल्कुल इत्थे खलोन बिल्कुल नहीं दे असीं बिल्कुल खलो नहीं सकते तुसीं वेख सकदे किवें एक बार मीह पैण दे नाल की हालात तो काजी मंडी दे किन्ने बुरे हालात हो गए ना बिल्कुल इत्थे खड़े होना बहुत मुश्किल हो गया। सरकार को चाहिए कि इस काजी मंडी का कुछ सोचना चाहिए क्योंकि इतने बहुत बुरे हालात ने खलोन वेखन दिल नहीं करता। और मैडम हरप्रीत मैडम एक बार सारा सारा दृश्य दिखाया जाए। बिल्कुल जी, काजी मंडी की गल करिए इस टाइम जो हालात वेखे जा रहे हैं जो एक बार मीह पैन के अन्ना इतने गंदगी फैल चुका है बिल्कुल सरकार ने उधर वाल ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो असं गल करिए सरकार की गल करिए प्रशासन की गल करिए साढ़े भरावान मुलाजमान की भैनों की गल करिए ड्यूटी लगी हुई है इस गंदगी दे विच भी ड्यूटी करना बड़ी मुश्किल है सरकार ने। यह करोना तो भैड़ी बीमारी का गंदगी का कारण है, करोना तो भैड़ी बीमारी देखिए गंदगी के कारण सानू होर भी खतरनाक बीमारी हो सकती है। और इस बारे असं मुलाजम भरावान नाल गलबात करेंगे, वो इस बारे की कहना चाहते हैं। भाई सत श्री अकाल भाई की लगता कि यह गंदगी वास्ते अपन करोना तो ज़्यादा खतरनाक है साढ़े गंदगी सर गंदगी फर्क लगता तो ड्यूटी देना तो मैंने लगता बहुत मुश्किल हो जाता बदबू आती है ना इतने। वैसे थानू की लगता कि इस बारे सरकार ने सोचना या सानू इलाके वाले ने सोचना चाहिए सर क्योंकि एक बार मीह पैन देना देखो कि गंदगी फैल रही है भी इतने खड़े होना बड़ा मुश्किल हो रहा है। वालों कोई मैसेज सरकार अपने घर बैठे हुए जो करोना वायरस लोग घर से बाहर निकलते पे सर थोड़े वालों को खास तौर पर मैसेज बिल्कुल जी दे देखो दोस्तों जिवें मुलाजम की गल करिए भरावान भैणों की गल करिए तो बिल्कुल हर इंसान वधिया तरीके उन्होंने कहा जाता कि जो अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके ड्यूटी लिया जाए ड्यूटी मन जाए लोग फिर भी कुछ समझदार है कुछ समझदार नहीं है क्यों नहीं है उन्होंने भी हाथ जोड़ के बेनती है कि सारे ही जो सरकार के हुक्मों की जो आर्डर की पालना की ना पी रमा कौन जी सब ने पहला दस दिए असं तुहाडे नाल गल करना कि घर में अं बहुत ज़्यादा सफाई रखते हैं इतने तुम भी घरेलू तौर पर घर जाते हो इस टाइम तुम ड्यूटी दे रहे हो तो इतने मेरा खड़े होना बड़ा मुश्किल लगे तो तुम 8 घंटे 12 घंटे ड्यूटी देना तुम्हें परेशानी लगता कि गंदगी फैली मैडम गंदगी तो बहुत ज़्यादा है नहीं हाँ ड्यूटी बिल्कुल ड्यूटी तुम दे रहे हो ये मुताबिक तुम की कहते हो कि इस इलाके वाले सारों रल मिल के जैम सिंह होर सरकार इस बारे सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए मैडम। चलो मैं एक होर खास तौर पर भैन को एक बहुत वधिया अपील लवांगा भैन जी जिहड़ियां इस टाइम बीबियां भैन साडियां घरां विच बैठियां जिहड़ियां 45 दिन या 50 दिन हो चुके ने बहुत अंदर बोर हो चुकी हैं लॉकडाउन करोना वायरस करके साडी मजबूरी बन चुकी सानूं घरां च बहना वो भैनां नूं जां बीबियां नूं बच्चे नूं तुहाडे वल मैडम की तुसीं मैसेज संदेश देना चाहते हो? उन्होंने अं यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने घर से रहो जिदा सरकार कहती है उन्होंने नियमों का पालन करो असी इन्नी गंदगी भी ड्यूटी कर रहे हैं अपने बच्चों को घर पढ़ाओ जो भी ऑनलाइन आ गया उन्होंने काम करवाओ बाकी असं भी कराते हैं जाके सारा कुछ ड्यूटी भी निभा रहे हैं घर बच्चों भी देख रहे हैं बच्चों असी अपन यही कहने कि अंदरों बाहर नहीं निकलना क्योंकि असं लोगों के बच्चों समझाने सारे समझाने इस करके साडे बच्चे तो नहीं बाहर निकलते असं सारे तो यही कहने कि सारे अपने घर रखो। बिल्कुल मैडम बहुत ज़्यादा थोड़ा धन्यवाद। तुम दोस्तों देख सकते हो कि अगर ये भरा भैन भरा साढ़े अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके 8 घंटे 12 घंटे निभा रहे हैं मच्छर दिन नहीं देखना रात नहीं देखना तो फिर असी लोग समझदार क्यों नहीं है असी क्यों नहीं चाहते कि साढ़े बच्चे भी सेख रहे हैं। तुम वेख सकते हो कि इस टाइम जो हालात काजी मंडी दे ना मीह हजे दोस्तों एक दिन पिया तो कहते ना कि जलंधर शहर नगीना मीह एक दिन तो चिकड़ महीना कैमरामैन हरप्रीत दे नाल एस के सक्सेना आज तक आमने सामने जलंधर।